अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे आप सब ये कहेंगे, मैं भी आप लोगों की दुआ से प्रेयर की हूँ, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अब यही चलना है, लंच होगा, डिनर होगा, ब्रेकफास्ट होगा, तो सारी माएँ जो है ना वो जल्दी जल्दी से चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो सीखी। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला था और इसमें थोड़ा सा मैंने चिकन डाला है, बोनलेस चिकन था थाई का, उसको थोड़ा सा मैंने कर लिया है, भून लिया है। तो इसमें काली मिर्च जो है वो डाली थी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाला था, नमक डाला था। 1 टेबल स्पून जो है वो टमाटो प्यूरी डाली है और साथ में 1 टेबल स्पून ही विनेगर चला जाएगा और 1 टेबल स्पून जो है साथ में सोया सॉस चला जाएगा। तो उसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च और ग्रीन ऑनियन फ्रीक काट के, तो हमको इसको थोड़ी देर कर लेना है फ्राई। चिकन जो है वो मैंने बोनलेस जो लिया था वो थाई का था, वो तो काफ़ी जूसी होता है तो उससे काफ़ी मज़ेदार नूडल्स बनेंगे। तो नूडल्स जो हैं वो मैंने साथ में उबलने के लिए रख दी हैं, जैसे वो सॉफ्ट होंगे तो ड्रेन करके हम पानी निकाल के तो नूडल्स इसमें डाल देंगे, तो ये मज़े से जल्दी जल्दी से नूडल्स हो जाएंगे तैयार। तो इजी रेसिपी जो है वो ढूंढें क्योंकि ज़िंदगी अपनी भी सौंपी हो जाएगी और बच्चों के पेट भी भर जाएंगे। तो ठीक है, 3 टाइम का मील बनाना होता है, फिर आपको सोचना पड़ता है क्या बनाएं। तो जो है वो बच्चों के नहरे भी होते हैं, जो दोपहर को खाते हैं वो रात को नहीं खाते। तो इसमें हमने नूडल्स जो है वो कर दिए हैं मिक्स, ये एग नूडल्स थे, कोई से भी नूडल्स डाल लें आप। तो आप लोग भी मैसेज करके बताएं कि छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं और कैसे क्या प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं। तो ये देखें जी, नूडल्स हमारे क्विक से जल्दी जल्दी से रेडी हो गए हैं। तो चिकन को जो है वो उसका मैंने वेट नहीं किया था, जितना भी आप डालना चाहें डाल लें। तो ये देखें जी, ये बहुत मज़े के तैयार होती है, ना ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा, देखें बहुत अच्छे से बने हैं। तो जी, तो आप लोग भी खुश होंगे, तो आप ना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट रेसिपी, और अब लोग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के रखें अपना ख्याल और मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा, तो दुआओं की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।